और देश से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने की जो लोग इच्छा रखते हैं उन छात्रों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है जो अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी में डॉक्टरी करना चाहते हैं। बिल्कुल, और आज से देश के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर हिंदी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में आज इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आज हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए किताबों का भी विमोचन किया जाएगा। पीएम मोदी की पहल और सीएम शिवराज की टीम की मेहनत के बाद भोपाल में आज से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिंदी में दूसरी डिग्रियों की पढ़ाइयां भी शुरू हो जाएंगी। अगर आप भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब तैयार हो जाएं। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो रही है। ऊपर श्री हरि लिखो क्रोसिंग। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही ये बात हंसते हंसते कह दी हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब एमबीबीएस डॉक्टर हिंदी में पर्ची लिखने लगेंगे, क्योंकि आज से भोपाल में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में इसकी शुरुआत करेंगे। लाल परेड ग्राउंड में अमित शाह एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 3 हिंदी किताबों का आज विमोचन करेंगे। इन किताबों को शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बनाई गई विशेषज्ञों की टीम ने अनुवाद किया है। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह हिंदी में मेडिकल किताबों का विमोचन भी करेंगे। इस तरह मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। दुनिया के कई देश हैं जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई भी करते हैं और तकनीकी शिक्षा भी देते हैं। चीन, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कितने देश हैं दुनिया के, अपनी भाषा में पढ़ाते हुए भी वो अव्वल आते हैं इन क्षेत्रों में। अंग्रेजी उनके लिए अनिवार्य नहीं तो हमें अनिवार्य कैसे हो गए? कमजोर अंग्रेजी की वजह से कई छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है, लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, लॉन्च होने वाला है, जो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उनके इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। और जो हम लोगों को अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाती है पढ़ाई करने में। अच्छा, जाती है? यस सर। तो एक्चुअली सर, हिंदी मीडियम के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है उनको लिखने में या चीज़ें बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, तो वो इजीली क्लियर होंगे। इसके साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवाना इतना आसान भी नहीं था। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मंदार नाम से वॉर रूम बनाया गया। हिंदी में मेडिकल कोर्स तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स बनाया गया। सिलेबस तैयार करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स और विशेषज्ञों के बीच कई दौर की बैठकें हुई और फिर फैसला हुआ कि मेडिकल के जो तकनीकी शब्द हैं उन्हें ना बदलते हुए देवनागरी में लिखा जाए। प्रैक्टिकल वर्ड है वो, तो क्योंकि उसका कोई हिंदी, जिसका हिंदी शब्द नहीं है, उसको हमने इंग्लिश को ही देवनागरी लिपि में लिखा है। ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हमने पैदा नहीं किया, क्योंकि हमने बाकी देश जहां पर उनकी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई होती है उसको भी फॉलो किया। उसमें भी जो टेक्निकल वर्ड है वो उनकी भाषा में लिखे गए हैं, है वो इंग्लिश शब्द ही। गरीब और मिडिल क्लास की कमजोर अंग्रेजी की बाधा को दूर करना ही सरकार का मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए, और इस मिशन को शिवराज सिंह चौहान ने पूरा कर दिखाया। गरीब बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे, कस्बों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे केवल अंग्रेजी के कारण मारे जाते थे, अब उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। दूसरे, हमें अपने प्रदेश में इतने डॉक्टर्स की जरूरत है,
ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं मिलते, अंग्रेजी पढ़ो और किसी प्राइवेट अच्छे अस्पताल में चले जाओ बड़े शहरों में। अब गांव में भी डॉक्टर मिलेंगे और हिंदी में सारी चीजें जानने वाले, चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले गांव में जाके इलाज करेंगे, कस्बों में इलाज करेंगे, शहरों में इलाज करेंगे। अंग्रेजी का बोझ उनको ऐसे जकड़ देता है कि प्रतिभा कुंठित हो जाती है और कई निराश हो जाते। कुछ तो ऐसे थे कि जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि अंग्रेजी में वो ढंग से समझ नहीं पाते थे। उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया, नई शिक्षा नीति में भी इस बात को कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी का संकल्प। और इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम दिन और रात जुट गए और तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, मातृभाषा यहाँ हिंदी हमारी। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदी में दवा की पर्ची कैसे लिखी जाएगी, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका रास्ता भी बता दिया। आरएक्स की जगह श्रीहरि लिखो और देवनगरी भाषा में लिख दो आप, उसमें क्या दवाई का क्रोसिन लिखना है तो लिख दो क्रोसिन, हिंदी में क्या दिक्कत है। शिवराज सिंह का सपना हिंदी में पीजी कोर्स तक लेकर जाने का है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे मिशन का संकेत दे दिया है। लॉ मिनिस्टर्स की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कानून आसान और मातृभाषा में होना चाहिए ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी नए कानून को समझ सके। उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना, मूल कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। मतलब ये कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में लॉ और एमबीए समेत दूसरे कोर्स को भी हिंदी में पढ़ाने की शुरुआत होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।